नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से लेटरहेड डिज़ाइन करना। जी हां दोस्तों, एमएस वर्ड में आप कई उपयोगी आउटपुट्स बना सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, सीखा था कि आप वर्ड का उपयोग करते हुए विजिटिंग कार्ड, पासपोर्ट टाइप फोटोग्राफ, एनवलप, लेबल्स किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लेटरहेड के फॉर्मेट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। आप काफ़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिए गए टूल्स से लेटरहेड को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपयोगी आउटपुट्स हैं जिनका यूज़ हम अपने ऑफिस के लिए करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लेटर हेड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से हमारी कंपनी की पहचान मार्केट में इस्टेब्लिश होती है। यदि आप किसी बात को प्लेन पेपर पर लिख कर देंगे और उसी बात को लेटर हेड के माध्यम से लिख कर देंगे तो उसका अलग एक प्रभाव पड़ता है। लेटर हेड के फॉर्मेट में जनरली हेडर में कंपनी का नाम, एड्रेस, लोगो आदि को रखा जाता है और फुटर सेक्शन के अंदर नीचे की तरफ ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस रखा जाता है। लेटरहेड की अलग अलग प्रकार से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राउंडेड इस तरह का एक डिज़ाइन हमने यहाँ पर तैयार किया है, वो आप बना सकते हैं। अलग अलग तरह की डिज़ाइंस हम लेटरहेड को आकर्षक बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड हमारी हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे टूल दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप बेहतरीन लेटरहेड डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल लेटरहेड को डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसके बाद उसी में हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिज़ाइन वाली लेटरहेड्स को भी डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जो आपको सिंपल लेटरहेड डिज़ाइन दिख रहा है इसे तैयार करना सीखते हैं। दोस्तों, बेसिक लेटरहेड को तैयार करने के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाते हुए सबसे पहले एक बेसिक शेप यहाँ पर लेंगे रेक्टेंगल की फॉर्म में। आप यहां से एक रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिएगा और अपने पेज पर उसे ड्रॉ कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ऊपर आपको ड्राइंग टूल्स और फॉर्मेट इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनके माध्यम से आप इसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले शेप फिल, यहाँ से आप जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 3D इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप 3D वाला कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, देन फिर शेप फिल में जाइए और कलर चेंज कर दीजिए तो जो बेसिक आपकी डिज़ाइन थी 3D वाली वो भी आ जाएगी और साथ में कलर भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। देन हमें टेक्स्ट यहाँ पर लिखना होता है जो कि कंपनी का एक नेम होता है और उसके लिए फिर से आपको इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स में जाना है। टेक्स्ट बॉक्स में नीचे की तरफ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर दीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपको कंपनी का नेम लिखना है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हमारे सेंटर का नाम लिख रहा हूँ, कैरियर प्लैनेट कंप्यूटर एजुकेशन। देन आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। आप इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स को, होम टैब में जाते हुए ग्रो फॉन्ट आप यहाँ से क्लिक करते हुए इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। जितना आपको बेटर लगे, ठीक लगे, उतनी साइज रख सकते हैं। जनरली आप 16 या 18 साइज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन इसका अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट, और फॉन्ट भी आप जो पसंद आए आपको वो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हमको थोड़े मोटे फॉन्ट लेने चाहिए, जैसे एरियल ब्लैक है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम रेवेन्यू नाम का एक फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। अब आप इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन इसकी सेट कर लीजिएगा और यदि आप चाहते हैं कि जो वाइट आपको यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में, इसे हटाना चाहते हैं और जो बैकग्राउंड का कलर है डार्क ब्लू वही आप यहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर से ड्राइंग टूल में जाइए और यहाँ पर शेप फिल के अंदर आपको नो फिल ले लेना है। तो आप देखेंगे नो फिल करने पर उस बॉक्स में जो वाइट कलर है वो यहाँ से हट जाता है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है, लेकिन हमारे जो फॉन्ट हैं वो ब्लैक कलर में है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फॉन्ट्स को आप सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए और फॉन्ट कलर जो यहाँ टेक्स्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट कलर यहाँ पर ले लिया है ताकि हमें बैकग्राउंड पर टेक्स्ट हमारा दिखाई दे। ठीक इसी तरह से मुझे यहाँ पर नीचे एड्रेस टाइप करना है तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों, यदि हमें अपना फॉन्ट यहाँ पर दिखाई ना दे तो आप
हेडर सेक्शन में जो आपने बॉक्स बनाया है उसे भी उसकी साइज को साइज हैंडलर के थ्रू बड़ा कर सकते हैं। हाइट आप बढ़ा दीजिए और टेक्स्ट बॉक्स की जो हाइट है उसे भी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब आप अपना एड्रेस टाइप कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। एड्रेस टाइप करने के बाद इस एड्रेस को भी हम इसी तरह से जैसे हमने हमारी कंपनी का नाम सेट किया था उसी तरह से इस एड्रेस को भी सेट करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, साइज़ आप इसकी भी बढ़ा सकते हैं और इसका भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। फिर से यदि आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में भी सेम कलर आए तो हमें टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ड्राइंग टूल, फॉर्मेट, देन फिर शेप फिल और नो फिल कर देना है। और जो टेक्स्ट कलर है उस टेक्स्ट कलर को हमें फिर से वाइट करना होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, होम में टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, आप इसमें वाइट फिल कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं ये जो बॉक्स है वो भी आपको दिखाई ना दे तो फॉर्मेट, शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन कर दीजिए, ताकि ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही थी ब्लैक कलर की वो भी यहाँ पर हट जाएगी। आप इन टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने फिर से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है, होम में बोल्ड पर क्लिक कर दीजिएगा तो टेक्स्ट हमारा डार्क दिखाई देगा। ये जो हमने फॉन्ट लिया है ये बेसिक फॉन्ट है, आप यहाँ से इसकी भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एरियल ले रहा हूँ, या आप चाहें तो एरियल ब्लैक भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हेडर सेक्शन तैयार हो गया है। अब यहाँ हमें एक लोगो चाहिए, तो उसके लिए इंसर्ट पिक्चर टूल, पिक्चर में से जहाँ आपका लोगो रखा हुआ है उस लोकेशन पर आप जाइए और लोकेशन में से अपने कंपनी का लोगो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप लोगो लेकर आते हैं तो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो जाती है, इमेज नीचे आ जाती है, टेक्स्ट ऊपर चला जाता है, तो आप अपने लोगो वाली फाइल को, इमेज वाली फाइल को सेलेक्ट कीजिए और पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टैब में जाते हुए रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और लास्ट में आपको दिखाई देगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अब आप अपनी इमेज को उठाते हुए हेडर सेक्शन में सेट कर सकते हैं और इसकी साइज़ भी हम छोटा और बड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा हेडर सेक्शन तैयार हो गया है। अब हमें तैयार करना है हमारा फुटर सेक्शन, कि हमारे लेटर हेड पर नीचे की तरफ बॉटम में क्या दिखाई दे। तो उसके लिए हम इसी बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से माउस से ड्रैग करते हुए इसे नीचे की तरफ सेट कर सकते हैं। यहाँ हमें टाइप करना है हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस। उसके लिए मैं फिर से चलूँगा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस हमें टाइप करना है और इसी तरह से साइड में हमें हमारी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है। तो आप इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल के साथ डी दबाइए, डी फॉर डुप्लीकेट, और यहाँ से साइड में आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ हम इसे करेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, हमारे जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं इन्हें हम फॉर्मेट करेंगे, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है हमें। इसके लिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लिक कर देना है, जिससे ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको ड्राइंग फॉर्मेट टूल में जाना है, देन शेप में नो फिल और बॉर्डर के अंदर शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देना है। और इन टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है, लेटर्स टाइप किए हैं, उनका कलर हमें वाइट सेट कर देना है। और इन दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि एक तरफ हमारा वेबसाइट का एड्रेस है और दूसरी तरफ ईमेल एड्रेस है। दोस्तों, इसका अलाइनमेंट सेट करते वक्त यदि आप थोड़ा स्पेस देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स से नीचे चला जाएगा, तो आप अपना टेक्स्ट बॉक्स जो उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, उसे आप बढ़ा सकते हैं तो आपको पूरा टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे बीच में एक लाइन भी डालनी है, तो उसके लिए इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर शेप्स, शेप्स में ये जो लाइन है उसे आप क्लिक कीजिएगा और बीच में इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार ड्रॉ करते समय लाइन थोड़ा तिरछा बन जाता है, उसके लिए जब भी आप लाइन ड्रॉ करें तो कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करें और उसके बाद लाइन ड्रॉ करें तो एकदम स्ट्रेट आपको लाइन दिखाई देगी। इस लाइन का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन को वाइट कर लिया है और इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ से आप थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और ये टेक्स्ट है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा लाइन के पास ले लिया है। और भी कोई टेक्स्ट यहाँ लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, जस्ट मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम रेफरेंस और डेट लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिर से इंसर्ट बॉक्स में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ रेफरेंस के लिए REF, और अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है जो कि डेट के लिए होगा, तो हम इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट बना लेंगे। कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं या फिर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिएगा,
कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको डुप्लीकेट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पर डेट के लिए अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार कर पाएंगे और इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ मैंने शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट में आपको जाना है, देन शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। इस तरह से हमारे रेफरेंस और डेट के लिए टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गए हैं। आप इनका अलाइनमेंट पोजीशन जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। इस लेटर हेड में मैं अपनी कंपनी का लोगो वाटरमार्क के रूप में यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए हम बैकग्राउंड में वाटरमार्क लाएंगे। उसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट टैब में, यहाँ आपको दिखाई देगा वाटरमार्क। वाटरमार्क में लास्ट में नीचे की तरफ आप देखेंगे कस्टम वाटरमार्क लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क और सेलेक्ट पिक्चर, जो भी पिक्चर आप वाटरमार्क के रूप में लाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिएगा और एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। इस तरह से वो वाटरमार्क बैकग्राउंड में आपको इमेज के रूप में दिखाई देगा। यदि आप यहाँ पर दिए गए वॉश आउट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो इसे आप एक बार हटा के देखिएगा अप्लाई, तो थोड़ा सा डार्क आपका जो लोगो है वो बैकग्राउंड में डार्क दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर जब हम लेटर्स टाइप करेंगे तो वो लेटर्स के साथ मैच नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा धुंधला आना चाहिए। तो वॉश आउट फिर से क्लिक कीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा तो थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड में आपको अपना लोगो दिखाई देगा, देन आप इसे क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक सिंपल सा लेटर हेड तैयार हो चुका है। आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी से जब प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो आपको अपना प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका लेटर हेड किस तरह से तैयार होगा। तो ये हमने सबसे पहले एक सिंपल लेटर हेड तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में सीखा है। अब दोस्तों, यदि हमें प्रोफेशनल लुक वाले लेटर हेड्स डिज़ाइन करने हों, जैसे इस तरह का कोई लेटर हेड डिज़ाइन करना है, या फिर आप इस तरह की डिज़ाइन के साथ अपने लेटर हेड को तैयार करना चाहते हैं, या फिर इस तरह की कोई डिज़ाइन आप तैयार करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है और यहाँ जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें, जनरली वो डिज़ाइन हेडर सेक्शन में बनी जाती है ताकि आप हेडर और फुटर सेक्शन में जो भी इंसर्ट करेंगे इस पेज पर वो सभी पेजेस पर अपने आप आपको दिखाई देगा। तो हेडर को एक्टिवेट करने के लिए ये जो आपको रूलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है और एक वर्टिकल रूलर है। इस रूलर पर जो खाली जगह है ऊपर ग्रे कलर की, उस पर आपको डबल क्लिक करना है तो आपका हेडर सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप इंसर्ट टैब में जाइएगा, शेप्स में जाइएगा और जिस शेप को लेते हुए आप डिज़ाइन तैयार करना चाहें उस शेप को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी बेसिक शेप जो है वो रेक्टेंगल होती है, तो उस रेक्टेंगल को आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा और जो भी कलर आप यहाँ से इसमें फिल करना चाहें वो कलर आप फिल कर दीजिएगा। और इसकी आउटलाइन आप हटा सकते हैं नो आउटलाइन के माध्यम से। अब दोस्तों, इसके शेप में हमें चेंजेस करने हैं। शेप में चेंजेस करने के लिए आप देख रहे होंगे अभी मेरा ये जो शेप है वो सेलेक्टेड है। सेलेक्ट होने पर हमको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट शेप पॉइंट्स, तो आप एडिट शेप पॉइंट्स में चले जाइए, या फिर आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन में लास्ट में एडिट रैप पॉइंट्स इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप एडिट पॉइंट्स ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपको अपने शेप के चारों तरफ ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे। अब माउस को आपको ब्लैक पॉइंट्स पर ले जाना है और जिस तरह का शेप आप ड्रॉ करना चाहें उस तरह से इन पॉइंट्स को आपको ड्रैग करना है, नीचे की तरफ खींचना है। अब देखेंगे कि हमारा शेप चेंज हो रहा है। अब यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट था उसके आगे आपको एक वाइट कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है, इससे हम अपने शेप को कर्व दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर्व दे दिया है। अब आप इधर वाले ब्लैक पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कर्व का पॉइंट दिखाई देगा, इससे आप और अच्छी तरह से इसे कर्व में डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी डिज़ाइन हमने यहाँ पर तैयार की है। डिज़ाइन को शेप देने के बाद आप 3D इफेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। अब आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करते हुए डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यदि आप बेस कलर फिर से चेंज करना चाहें तो बेस कलर फिर से चेंज कर सकते हैं। यदि आप शेप को यहाँ पर डुप्लीकेट करना चाहें तो उसके लिए आपको शेप को सेलेक्ट करना है। शेप को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है तो आपका शेप डुप्लीकेट हो जाएगा और इस शेप में दूसरा कोई भी कलर आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और इस शेप को हमें उस शेप के पीछे भेजना है तो फिर से आपको साइड में अरेंज सेक्शन में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो सेंड बैकवर्ड पर आप क्लिक कीजिएगा, वो शेप हमारा पीछे चला गया और जो पहले वाला शेप था वो ऊपर आ गया है। तो एक छोटी सी डिज़ाइन हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इंसर्ट में आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं या फिर आप नीचे की तरफ लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ करते हुए उसकी पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था, उस तरह से आप यहाँ अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई लोगो इंसर्ट करना चाहें तो लोगो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमने हेडर सेक्शन में तैयार किया है। इस तरह से यदि आप फुटर सेक्शन में कोई डिज़ाइन तैयार करना चाहें तो उसके लिए भी आप इंसर्ट में शेप्स का यूज़ करें। और जो भी आपको शेप यहाँ ड्रॉ करनी हो उसके लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करना चाहता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, तो दोस्तों यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल हमको यूज़ करना है तो उसको यहाँ लेना है आपको इस तरह से, और उसका जो राउंड है उसे बढ़ाना है तो यहाँ आपको येलो कलर का जो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है तो राउंड आपको पूरा दिखाई देगा। अब इस पर जो भी आपको कलर फिल करना है वो कलर आप फिल कर लीजिएगा, और ऊपर जो रोटेट का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करते हुए इस शेप को हम रोटेट कर सकते हैं और साइज़ हैंडलर के थ्रू इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉर्नर में इसे सेट कर दिया है। और इसका जो आउटलाइन है उसे हटाने के लिए आपको शेप आउटलाइन में जाना है और नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा एक छोटा सा शेप बन गया है। इसी को यदि मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको इसी शेप को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी प्रेस करना है, डुप्लीकेट शेप तैयार हो जाएगा। और उस डुप्लीकेट शेप को आप छोटा करना चाहें छोटा कर लीजिए, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर दीजिए। इस तरह की कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ साइड में आप और कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी डिज़ाइन आप इंसर्ट शेप्स और शेप ड्रॉ करते हुए डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल को रोटेट करवा दिया। अब आपके हाथ में है किस तरह का डिज़ाइन आप दिखाना चाहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन आप शो करना चाहते हैं। इस तरह का कॉर्नर सेट कर दिया, जो भी आप सेट करना चाहें वो आप यहाँ पर डिज़ाइन को सेट कर पाएंगे, उनका कलर कॉम्बिनेशन भी आप सेट कर पाएंगे। सारे डिज़ाइन सेट करने के बाद शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन और बेसिक जो शेप है उसमें जो कलर आपको दिखाना हो वो कलर आप फिल कर सकते हैं। इस तरह से इनको एरो कीज़ के थ्रू भी आप इनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। शेप्स को आगे पीछे लेना हो आपको तो सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड, इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए हम वो भी कर सकते हैं। फिर यदि आप बीच में बैकग्राउंड में वाटरमार्क डालना चाहें तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया किस तरह से आप वाटरमार्क डालेंगे। अब दोस्तों जब हम हेडर और फुटर में डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पर भी दिखाई देगी। जितने भी पेज आप बनाएंगे सभी पेजेस पर ये डिज़ाइन आपको दिखाई देने लगेगी। यदि आप और कोई डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपको ये डिज़ाइन तैयार करनी है तो उसके लिए आप फिर से नई फाइल ओपन कर लीजिए और उस फाइल के साथ सबसे पहले आप डबल क्लिक कीजिएगा हेडर सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए। पेज के टॉप में आपको डबल क्लिक करना है जिससे हेडर सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इंसर्ट शेप्स, और यहाँ पर आप कोई भी शेप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, उस शेप को इस तरह से ऊपर की तरफ ले लीजिए और हल्का सा इसे बड़ा कर लीजिए। आप चाहें तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अब साइज हैंडलर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप इस तरह से इसको पहले से रोटेट करते हुए इस तरह से सेट कर दीजिए और यहाँ पर शेप में कोई भी कलर आपको जो कलर ठीक लगे वो कलर फिल कर लीजिए। शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, 3D इफेक्ट डालना है आपको 3D इफेक्ट ले लीजिए। यहाँ से शेप स्टाइल में हमको सारे 3D इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। और इसका डुप्लीकेट हमें सेट करना है तो कंट्रोल डी से आप इसका डुप्लीकेट बनाइए, हल्का सा इसे बड़ा कर लीजिए और इसमें कोई और कलर आप फिल कर सकते हैं। अब इसे हमें पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं और यही डिज़ाइन आप नीचे की तरफ फुटर सेक्शन में भी ले सकते हैं। तो बेसिक डिज़ाइन बनाना मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बेसिक डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर कंपनी का लोगो, उसका नाम, रेफरेंस, डेट सारा कुछ टाइप कर सकते हैं। फुटर सेक्शन में भी इसी डिज़ाइन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों शेप्स को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा शिप के साथ और कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट करते हुए फुटर सेक्शन में आप डाल सकते हैं। चाहे इस तरफ डालिए चाहे इस तरफ डालिए तो एक डिज़ाइन आपको अलग से दिखाई देगी। अब हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है और जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको इसी तरह से अगले पेज पर भी यह डिज़ाइन दिखाई देगी। तो दोस्तों हमने सीखा कि किस तरह से प्रोफेशनल लुक के साथ हम अपने लेटर हेड को डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ बेसिक अगर डिज़ाइन हमें तैयार करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।